मित्रों, आज हम एक बड़ा रोचक विषय लेकर के आए हैं, शुभ व अशुभ। कई लोगों की धारणाएं रहती हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कैसे जाने कि ये शुभ है कि अशुभ है। हम जो भी कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, तो कहीं अशुभ तो नहीं हो गया, या हमें उसमें शुभता किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो आज शुभ और अशुभ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, शुभ अशुभ यह हमारे जीवन में हमेशा एक प्रश्न बना रहता है। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, ये शुभ है या अशुभ है, पाप है पुण्य है। हम पूजा करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं यह अशुभ तो नहीं हो गया, या उसमें शुभता किस प्रकार से आएगी। ये सब चीज़ों में हमारा दिमाग उलझा रहता है। तो उसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए बताना रहे हैं कि शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है। शुभ का संबंध किसी भी नीति से नहीं होता है। नीतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन शुभ एक ही होता है। मुसलमान की नीति अलग होती है, हिंदू की नीति अलग होती है, ईसाइयों की नीति अलग होती है। हर एक लोगों का की जो नीतियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए इसे हम शुभ को किसी एक में नहीं डाल सकते कि शुभ ये होता है। मान्यता हमारी बदलती रहती है। किसी की कुछ मान्यता है, किसी की कुछ मान्यता है, तो इसलिए जहाँ नीतियाँ बदल जाती हैं, मान्यता बदल जाती हैं, वहाँ पर शुभ को हम कैसे माने कि ये चीज़ शुभ है या अशुभ है। क्योंकि शुभ शाश्वत है। जिस प्रकार से कि परमात्मा कभी क्षीण नहीं होता, परमात्मा हमेशा जैसा है वैसे ही रहता, उसमें एक भी रत्ती का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से जो शुभ है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समय काल परिस्थितियों के आधार पर नीतियां बदल जाती हैं। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि फलाने समय पर ऐसा हुआ था इसलिए ये चीज़ शुभ है। महाभारत काल को यदि हम ले लें तो युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज थे, और उन्होंने जुआ में अपना सारा राजपाट खो दिया। यहाँ तक राजपाट ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया। पत्नी को दाव पे लगाना यानी उस समय ये प्रथा रही होगी कि पत्नी को बेचा भी जा सकता है, अन्यथा कोई दाव पे कैसे लगाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता है, वो भी छोटे छोटे जुआड़ी नहीं रहे होंगे, पूरा का पूरा राजपाट सर्वस्व सब लगा दिया। अब आज के समय पर यदि धर्मराज युधिष्ठिर की भी परिभाषा की जाए, उन्हें तोला जाए, तो आज की तारीख में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि आज की तारीख में जुआ खेलना अपराध माना जाता है, जुए में पत्नी को दाव पे लगाना अपराध माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि धर्मराज युधिष्ठिर आ जाए तो वो जेल के अंदर चले जाएंगे, उनके ऊपर केस चल जाएगा। तो उस समय वो नीति थी, उस समय वो मान्यता थी, तो उस समय उसे बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन आज की नीति अलग है। इसलिए जो चीज को हम शुभ मानते हैं उसी चीज को दूसरे लोग अशुभ मानते हैं।
जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप शुभ माने उसको दूसरा व्यक्ति शुभ माने। जिस समय हिंदुओं में शादियां होती हैं उस समय दूसरे मुसलमानों में शादी नहीं होती, जब हम शादी नहीं करते उस समय उनकी शादी होती है, लेकिन किसी का कुछ बुरा तो नहीं होता है। तो ये शुभ हुआ कैसे? जो चीज़ नीतियों के आधार पर होता है वो कभी शुभ अशुभ नहीं हो सकता। नीतियों के आधार पर बनाए हुए निर्णय सही नहीं होते हैं, उनके आधार पर हम शुभ और अशुभ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। शुभ होता क्या है? शुभ शाश्वत है। कोई भी कार्य आप जब करते हैं और उस कार्य के करने से आपके अंतर्मन का छंद, अंतर्मन की तरंगें आपकी प्रफुल्लित हो जाती हैं, तो वो कार्य शुभ हुआ। आपने कोई कार्य किया और उस कार्य के करने से आपके मन को संतोष मिलता है, आपके अंदर की जो तरंगें हैं, आपके अंतर का जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, तो वह कार्य शुभ माना जाता है। नीतियों के आधार पर शुभ या अशुभ की हम परिभाषा नहीं कर सकते। नीतियां तो बदलती रहती हैं। 5,500 वर्ष पहले महाभारत में युधिष्ठिर ने जो किया वो उस समय की नीतियों के आधार पर सही था, लेकिन आज की नीति के आधार पर सही नहीं है। जैनियों में रात्रि में भोजन करना निषेध है, उनके आधार पर वो अशुभ है, लेकिन बाकी लोगों में वो शुभ है। महावीर ने जब इस बात का बोला कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय बिजली नहीं थी, लोग लैंटर्न में उसके लाइट से, दीपक के लाइट से, प्रकाश से भोजन करते थे। उस समय खतरा हो सकता था, जीव जंतुओं की हिंसा हो सकती थी, या हम विषाक्त भोजन भी कर सकते थे। लेकिन आज का समय परिवर्तन हो गया है, आज बिजली है, रात्रि में आप चाहें तो दिन से भी ज़्यादा उजाला कर सकते हैं, तो आज वो नीति काम नहीं करती। इसलिए शुभ या अशुभ को हम उस परिणाम में नहीं ढाल सकते। अशुभ क्या है? जो कार्य करने से आपके अंतर्मन में के जो छंद हैं, जो वीणा है, जो तार हैं, वो विकृत हो जाए, यानी आपके मन के अंदर का जो भाव है, आपके अंदर की जो वेदना है, वो दुखी हो जाए, उसे लगने लगे कि ये कार्य मैंने ठीक नहीं किया, तो वो अशुभ है। लेकिन जिस कार्य को करने से आपके अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाती है वो कार्य शुभ है, और जिसको करने से उसे दुख पहुंचता है, उसे कष्ट होता है, तो वह कार्य अशुभ माना जाता है। इसलिए नीतियों के आधार पर कभी भी शुभ या अशुभ की परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि शुभ कभी बदलता नहीं है, शुभ शाश्वत है। जिस प्रकार से कि हम सत्य बोलते हैं, तो सत्य जो है वो हमेशा एक ही रहता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी किसी चीज़ को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सत्य शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यदि आपने किसी को बताया कि हमें 50,000 रुपये की मासिक तनख्वाह मिलती है, तो आपको याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी से 50,000 बोल दी, किसी से 45 बोल दी, किसी से 30 बोल दी, किसी से 1,00,000 बोल दी, तो उस व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि हमने किसको क्या बोला था। उसको रात को नींद नहीं आती। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, छल कपट करने वाले व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है, लेकिन सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे कोई चीज़ याद रखना नहीं पड़ती। वो आपको जो चीज़ बोलेगा वही दूसरे को ही बोलेगा, क्योंकि जो
सत्य है वो सत्य है। इसलिए सत्य बोलने वाला आदमी हमेशा सुखी रहता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति का मन जो है वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए शुभ मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता, शुभ को बदला नहीं जा सकता। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं के आधार पर यदि हम शुभ और अशुभ की परिभाषा देखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं, उस कार्य के करने से आपके मन में शांति मिलती है, आपका अंतर जगत प्रफुल्लित हो जाता है, तो उस चीज़ को माने आपकी ये शुभ है। और जिसके करने से आपकी आत्मा दुखी होती है, आपका अंतर्मन की जो तरंगे हैं, अंतर्मन का जो आपका छंद है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो समझे कि ये अशुभ है। इसलिए कभी भी मान्यताओं के आधार पर शुभ या अशुभ का हमें लेखा जोखा नहीं करना चाहिए कि हमारी मान्यता ये है और ऐसा नहीं हुआ तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं। तो मित्रों, हमने बहुत सूक्ष्म रूप में आपको बताया शुभ और अशुभ के बारे में कि जिसके करने से आपको खुशी मिले वो शुभ है और जिसको करने से आपको खुशी ना मिले वो अशुभ है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।